देखा, पकड़ लिया ना छुपके आज क्रीम लगाते हुए। अरे क्रीम तो मैं रोज लगाती हूँ। ये मुझे नहीं मिलती क्रीम है, जब मैं ढूंढता हूँ मैं वही सरसों के तेल में जीरा मिला के लगा रहा हूँ। तुम्हारा क्रीम से कुछ होगा नहीं ना, तुम्हारा मुंह बदलना पड़ेगा। मेरा मुंह बदलना पड़ेगा? मुझे एक बार किसी ने बोला था, याद है? बोलता तुम्हारा ये माथा हटवाना पड़ेगा। नहीं, कहता माथे के नीचे का आप सब बदलवा लो फिर अच्छे लगोगे। फिर मैं आपको फिल्म में काम दूंगा। तुमने उसको नहीं मार मार के उसका माथा बदला? नहीं, उसको खुद ही कभी कुछ नहीं मिला, वो मुझे क्या काम देगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने पहन ली चीते वाली टी शर्ट, आज मेरे चीते जैसा फील हो रहा था। सबसे पहले आप लोग कमेंट ऑफ द डे पढ़ लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और आपके सारे कमेंट्स हम लोग अब पढ़ते हैं टाइम निकाल के, और जो कमेंट बहुत ज्यादा दिल को छू जाता है उसको हम बनाते हैं कमेंट ऑफ द डे। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, क्या पता कल आपका कमेंट बन जाए कमेंट ऑफ द डे। और मेरी बेबी आ चुकी है, दो बच्चे संभाले हुए, आज घर का बाहर का मामला भी टूटने वाला है, तो आज बहुत ज्यादा क्योस होने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोनों कुत्तों ने कहा कि हम गोदी में चढ़ेंगे, नहीं मान रही थी, ना माँ मानी ना बेटी, पागलों की तरह लड़ी है, दांत पे दांत फंसा के लड़ी है। और आज जैसे कि अविनाश ने बताया कि आज घर मतलब ये सब भी निकलने वाला है। अब एक टीवी का सहारा था वो भी चला जाएगा, सोफे का सहारा था वो भी बाहर निकल जाएगा। जमीन पे बैठेंगे ना आराम से अब? हाँ, तो जमीन से जुड़े लोग हैं वैसे ही। तुम तो वैसे भी जमीन पे बैठती हो ना, आज तुम्हें सोफे से इतना लगाव कैसे हो गया? मतलब सोफे का टेका तो लेती थी ना, लेकिन टेका मैं घुटने का दे दूंगा पीछे से। वो मैं देती हूँ तुम्हें। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, उसके पहले जब तक काम बाहर का नहीं शुरू होता एक फिल्टर ले गया। हाँ, घर पे पी लेते हैं, बनवा लो। घर पे नहीं, घर पे नहीं, बाहर वक्त बर्बाद होता है। वक्त नहीं बर्बाद करेंगे ना। मैं तो तुम्हारे सोते हुए चुपचाप जाके बाहर कटिंग चाय पी आया बारिश में, पता है मेरे को। तो जी आखिरकार ये औरत मुझे बहला फुसला के झांसे में ला के ले ही गई कॉफी पिलाने, और अब हम वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि लंच करना है और उसके बाद इसको किसी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, मेरा भी काम शुरू हो जाएगा। और घर पे अभी जाते ही वो जो दीवार पे पजल बना हुआ है ना हमारे एमडीएफ का, उसकी होगी तुड़ाई शुरू। इसलिए अभी हमें फोन आया कॉन्ट्रैक्टर का कि आप जल्दी आ जाओ, थोड़ा सा उधर से सामान वामान हटाना है, बच्चों को एक जगह सेफ जगह पे लेके जाना है। सेफ मतलब क्या, दूसरे कमरे में। अरे इतनी धूल धक्कड़, लकड़ी, चूना भट्टी, बुरादा उड़ेगा तो। अभी वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैं निकल रही हूँ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में। तो जी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे निकलना है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है, तो मैं रिक्शा पकड़ के निकल गई हूँ, क्योंकि गाड़ी में फिर वहाँ पे पार्किंग का इशू हो जाता है और मुझे जल्दी जल्दी पहुँचना है, तो रिक्शा जो टेक है फटाफट पहुँचने जाऊँगी। और मीनवाइल अविनाश घर पे क्या कर रहा है आप देख लो, आई थिंक घर का वो आगे का रूम शुरू हो चुका होगा। तो जी ये उखड़ने का काम शुरू हो गया है, आधा तो उखड़, ये तो बड़ी आसानी से उखड़ गया भैया, उखड़ा ही हुआ था। हाँ, ये उखड़ा हुआ था। या इसको आपने पहले भी खींच दिया था? हाँ ठीक है, निकाल दो। और ये पूरा, ये तो बहुत आसानी से निकल जा रहा है, हैं? खाली इसको क्लीन करने में टाइम लगेगा ना, खुरचने में वो सब। हाँ कुछ लगा हुआ है, प्लाई भी छोड़ रहा है थोड़ी थोड़ी, वो तो वापस निकल गया ना। अच्छा, तो हो जाएगा। ओके, इसको तो वैसे फेंकना ही है ना, तो फिलहाल तो बाहर ही रख देते हैं। ठीक है, रूम में जा रहे थे तोड़ के। हाँ, उधर भी कर सकते हैं। तो जी ये काफी साल पुराना डिजाइन जो है आज निकल गया, अब यहाँ पर कुछ नया किया जाएगा जिसके बारे में आपको तभी बताएंगे जब वो हो जाएगा। तो जी इधर का भी सब कुछ माल मसाला उतर चुका है, पूरे टेबल खाली हो गया, टीवी आ गया है, कुछ यहाँ निकाल दिया, अभी सोफे भी बाहर जाएंगे और अब हम ये पूरा निकलवा रहे हैं। बच्चों को सबको अंदर कर दिया, अब चेरी को भी अंदर कर रहे हैं, मैं भी अंदर ही बैठ रहा हूँ कि अब तो यहाँ बहुत ज्यादा थोड़ा ही फुड़ाई होगी। तो जी हमने सोचा था इसी प्लाई के ऊपर हमारा नया सिस्टम नया लग जाएगा जो भी लगवाना है, लेकिन हमारी जो है प्लाई भी सड़ चुकी है, तो प्लाई भी चेंज होगी और प्लाई भी निकल रही है। तो जी नाउ आई एम ऑन माय वे बैक होम, कॉफी ले ली है और वापस जा रही हूँ। काम पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा, अभी जाके देखती हूँ। अभी रास्ते बात हो गई थी मेरी की पता नहीं लकड़ी वकड़ी सारी सड़ गई है मालूम नहीं, अभी जाके देखती हूँ क्या हाल चाल है घर का। मार।
जाएगा, पिट जाएगा। तो जी रूम पूरा खाली हो गया, तो इसलिए इनको इतना मजा आ रहा है ना, खुले में घूम घूम के मारपीट कर रहे हैं, और मारने वाला खुद ही लेट जा रहा है, ऐसा हो रहा है। पूरे इसको गार्डन समझ के खेला खेली शुरू हो चुकी है यहाँ पे। नहीं, हम नहीं बचाएंगे, जाओ जाओ लड़ो, चलो हम नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं बचाएगा। पीट चेरी, पीट पीट इसको चेरी, आजा चेरी, आजा पीट। नहीं नहीं हम नहीं बचाएंगे आज, आज कोई नहीं बचाएगा, भागी भागी भागी। तो जी फाइनली मेरा काम खत्म हो गया है, मेरी बेबी भी आ गई है, और आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ रूम की पूरी कंडीशन। बाहर फिर से सामान रखना पड़ा है, आई होप चूहा ना आए आज, और ये आधा उखड़ चुका है नीचे का, अरे नीचे किसी ने सुसु किया था, पैर पड़ गया। बेबीज की प्लाई पूरी सड़ गई थी, प्लाई भी चेंज हो गई। अब ये क्या कर रही हो तुम? अरे बड़े दिनों बाद डांस कर रही हो भाई, तुम अच्छा लग रहा है देख के, वेरी गुड। हाथ थोड़ा हल्का कर रही हो, धीरे धीरे अभी लाउड हो जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों खाली रूम इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना बड़ा लग रहा है घर, ऐसा लग रहा है सामान रखे ना इसमें, दरी बिछा के बैठे रोज। तुम कौन से मूड में चली गई हो? मुझे लग रहा था सिर्फ कुत्ते ही खुश हैं खाली जगह मिल गई खेलने के लिए, तुम भी खुश हो खाली जगह मिलके नाचने के लिए। क्या करे, आगे नहीं समझ में आ रहा ना आगे क्या होने वाला है। अच्छा ये वॉल पे जितने फ्रेम्स थे, अब ये वॉल चेंज हो जाएगी? अभी देखेंगे देखेंगे। फ्रेम्स तो रहने दो, भी बड़े सुंदर लगते हैं ये, चाहते फ्रेम्स रहे, फ्रेम्स रहे, वॉल पेपर लगवा दो उसके ऊपर फ्रेम्स आ जाएंगे। मैं चली अंदर। अच्छा दूसरी चीज, उन्होंने ये पूछा है कि उनको कल बताना पड़ेगा जितनी कीले हैं निकलवा दें पहली फुर्सत में, मतलब यहाँ पे कुछ भी टांगना नहीं है, यहाँ जो पेंटिंग थी वो उसके कीले निकलवा दें तो पेंटिंग नहीं रहेगी। अरे वो इतनी प्यारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है बेबी, अभी ये जाने का टाइम आ गया है, जाने वाले को रोकते नहीं है। इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं जाने दूंगा मैं, सुन रही हो? हाँ। ये पेंटिंग नहीं जान दूंगा मैं। क्यों? दीदी सब अच्छे से बंद कर देना, सामान अंदर ले लीजिएगा, नहीं तो चूहे आने की फिर से संभावना है। हमारे बेड के अंदर टीवी डाल दिया गया है बड़ा वाला, हाँ तो तुम इस तरफ मत सोना। कैसे, नहीं तो कैसे किया टीवी के, उठा कर सारा सामान अमिता ने उसमें से पुराने सर्दियों के कपड़े निकाल के कार्टन में डाल दिए, वो निकालते निकालते मुझे अच्छा सा हुडी मिल गया। अच्छा। मैं यही पहन के घूम रहा हूँ जब से। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया होता है, देखा पकड़ लिया ना छुप के आज क्रीम लगाते हुए। अरे क्रीम तो मैं रोज लगाती हूँ, ये मुझे नहीं मिलती क्रीम है, जब मैं ढूंढता हूँ मैं वही सरसों के तेल में जीरा मिला के लगा रहा हूँ। इससे ये क्रीम लगाई इससे क्या होता है? अरे मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन लगा लेती, कहते हैं लगानी चाहिए रात को। ये मुझे कोई क्यों नहीं कहता कि लगानी चाहिए? हैं? तुम्हारा क्रीम से कुछ होगा नहीं ना, तुम्हारा मुंह बदलना पड़ेगा। मेरा मुंह ही बदलना पड़ेगा? मुझे एक बार किसी ने बोला था याद है, बोलता तुम्हारा ये माथा हटवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कहता माथे के नीचे का आप सब बदलवा लो फिर अच्छे लगोगे। नहीं फिर मैं आपको फिल्म में काम दूंगा। तुमने उसको नहीं मार मार के उसका माथा बदला? नहीं उसको खुद ही कभी कुछ नहीं मिला, वो मुझे क्या काम देगा? मुझे मिलवा दो ना, मेरे पास भी कोई काम नहीं उसके पास भी कोई काम नहीं, दोनों एक दूसरे को ठीक करके आते। चलो भैया आज की कहानी यही खत्म, क्योंकि कल बहुत बहुत टाइट शेड्यूल है हमारा। जैसे अरे कल शीशे वीशे सब आएंगे, कल शीशा फ्लोरिंग का ये सब देखना है अभी। अब तो एक के बाद अब ये निकल गया ना सामान, अब काम फटाफट होना है। अच्छा अब तेज तरार से काम शुरू हो जाएगा। तो आपको मिलते हैं हम लोग कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। हिचकी लग गई चेरी ने ऐसा पीटा है ना जिसको। थोड़ी देर के बाद चुनचुन को लगा कि नाउ द मैटर इज बिकमिंग सीरियस। अच्छा चुनचुन ने फिर चुनचुन ने दांत दिखाए कि मौसी बस बहुत हो गया, हमें समझ रही हूँ कि यू आर डूइंग अ फिजिकल अब्यूज नाउ मेरी चुनता।